हमको क्रॉस करने हैं टोटल 6 स्टेट। हम निकले कर्नाटका से, आगे जाएंगे तेलंगाना में, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होते हुए हम निकल जाएंगे नेपाल। सो वेलकम टू महाराष्ट्र विद बैड रोड्स। और जैसे ही हम महाराष्ट्र में घुसे, ये देखो रोड पे इतना बड़ा पिंपल है। पिछले 5 घंटे से मैं हो चुका हूँ परेशान। मतलब कहाँ, मैं सोच रहा था दिन में 800 किलोमीटर कवर करूंगा और 200 में मेरी बैंड बच गई है। तो जो एयर फ्लो सीट है, मतलब इसके अंदर हवा होती है, रोड इतनी खराब थी कि यही पिचक चुकी है। तो वैसे तो अपने पास ये प्रोटीन बार है, तो अब इससे काम चला लेंगे। रोड कैसी आप ये बता दो, आगे आगे ऐसी रोड है, ऐसी मतलब अच्छी है खराब? हम चले महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की ओर। महाराष्ट्र में रोडों की प्रॉब्लम और मध्य प्रदेश में ट्रकों की प्रॉब्लम। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बदक, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज बहुत दिनों बाद, मतलब फाइनली एक लंबी राइड हो चुकी है, मतलब कि हम निकल चुके हैं। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 9:30। तो जो आज की अपनी डेस्टिनेशन है वो है लगभग यहाँ से 750-800 किलोमीटर। मतलब आप समझ लो कि आराम से 14 घंटे लग जाएंगे। अगर मैं 9:30 निकला हूँ तो मैं करीब करीब पहुँचूँगा 11:30 या 12 बजे। तो पहले तो मैं ये बता दूँ कि हम जा कहाँ रहे हैं। हम जाने वाले हैं यहाँ से सबसे पहले नागपुर, नागपुर के आगे जबलपुर, और उसके आगे, मतलब आज तो हम जबलपुर तक ही जा पाएंगे। हमको क्रॉस करने हैं टोटल 6 स्टेट। मतलब हम निकले कर्नाटका से, आगे जाएंगे तेलंगाना में, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होते हुए हम निकल जाएंगे नेपाल। तो मतलब वैसे तो नेपाल आप दूसरी कंट्री ही कंसिडर कर सकते हो, लेकिन वो आता है उत्तर प्रदेश के पास। मतलब जो भी अपना बॉर्डर होगा नेपाल में घुसने का, वो आएगा उत्तर प्रदेश के बाद। तो इसलिए अपना प्लान रहेगा कि पहले 3 दिन हम लोग उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाए। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज का अपना प्लान है, हम यहाँ से जाएंगे जबलपुर। वैसे तो प्लान था कि पहले हम जाने वाले थे नागपुर, क्योंकि मैंने सोचा कि हम सुबह 6-7 बजे निकलेंगे तो शाम के 5:30 या 6 बजे तक नागपुर पहुँच जाएंगे। उसके आगे हम शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे तक करेंगे क्या, तो इससे अच्छा चलते हैं जबलपुर। लेकिन हुआ क्या, सुबह ठंड इतनी थी और 10 बजे गर्मी इतनी है कि मैं कन्फ्यूज़ हो गया कि कब निकलूँ। मैं उठ तो सुबह 4 बजे ही गया था, लेकिन 6 बजे का मौसम देख के मैंने सोचा कि 1 घंटा और सो लेते हैं, और वही 1 घंटा सोने के चक्कर में मैं उठाऊँ 3 घंटे बाद, यानी कि 9 बजे। वैसे नागपुर जाने के 3 रास्ते थे। पहला वाला था, जो अगर आपने देखा होगा कि जब मैं लद्दाख से आया था, वो वाला रूट लिया था भाई, मरते मरते बचा था। तो इस बार मैंने डिसाइड करा था वो रूट तो नहीं लेना, स्पेशली रात या दिन में, जैसे भी हो, कि वो सीधा रास्ता नहीं है यार। मतलब आप एक बार 10 किलोमीटर बाद लेफ्ट लो, राइट लो, खेतों में घुसोगे, पहाड़ पे चढ़ोगे, नीचे उतरोगे, ब्रिज के ऊपर चढ़ जाओगे। तो इसलिए मैंने डिसाइड करा कि वो रूट हम नहीं लेंगे। उसके बाद था दूसरा रास्ता, जो कि था नांदेड़ वाला। तो नांदेड़ वाले में दिक्कत ये थी कि मैंने लोगों से पता करा वो रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद गूगल मैप ने सजेस्ट करा ये तीसरा रास्ता, जो कि है और देगलूर कहीं से तेलंगाना होते हुए महाराष्ट्र में। तो अभी तक तो लगभग 10 या 15 किलोमीटर हुआ है, टच वुड कि अब तक तो रोड बहुत अच्छी है, लेकिन आगे का कुछ पता नहीं। जिस चीज़ का डर था वही हुआ। मतलब जैसे ही हम महाराष्ट्र में घुसे हैं, तो अभी तो लगभग सिर्फ 50 किलोमीटर हुए है। तो ये था अपना कर्नाटका का रास्ता, मतलब रोड ऐसी थी। और जैसे ही हम महाराष्ट्र में घुसे, ये देखो रोड पे इतना बड़ा पिंपल है यार। मतलब मैं बता नहीं सकता महाराष्ट्र में सड़क की हालत क्या है। तो ये देख के मैं रुक गया यहाँ पे, तो मुझसे आगे नहीं बढ़ा गया, क्योंकि मुझे अब समझ में नहीं आ रहा। मैं आ चुका हूँ लगभग आई थिंक 40 या 50 किलोमीटर कर्नाटका से तेलंगाना, उसके बाद अभी हम महाराष्ट्र में एंटर कर रहे हैं। लेकिन ऐसी रोड देख के ना मुझे घबराहट हो गई। चलते हैं अब आगे। अब आगे जैसा भी रास्ता होगा देखा जाएगा, अब क्या ही कर सकते हैं अगर रास्ता ही ऐसा है तो। सो वेलकम टू महाराष्ट्र विद बैड रोड्स। तो आई डोंट थिंक कि ये शायद 30-40 किलोमीटर से ज़्यादा हो ऐसा रास्ता, लेकिन प्रे करते हैं कि
जल्दी ही ख़त्म हो जाए। तो करीब करीब 30 किलोमीटर बाद वापस आ चुके हैं टारमैक रोड पे। मतलब ये भी इतनी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन जैसी पिछले 30 किलोमीटर से थी अगर उससे कंपेयर करोगे तो बहुत ही ज़्यादा सही है। तो अभी हमको लगभग जाना है यहाँ से 700 किलोमीटर और, मतलब अभी हम आ चुके हैं लगभग 92 किलोमीटर। गूगल माता दिखा रही है कि हम पहुँचेंगे रात के 12:30। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:45। तो मतलब घर से निकल के एक घंटा हुआ है और एक घंटे में ये हाल है। कुछ देर के लिए अच्छी रोड्स आती है, उसके बाद फिर यही हाल। तो अभी बज रहे दोपहर के 1:30 और किलोमीटर्स आ चुके हैं हम लोग लगभग 200, मतलब आप बोल सकते हैं कि 185 से 192 आ चुके हैं। और यहाँ सामने पता नहीं किसका काफिला चल रहा है, इतनी सारी ब्लैक गाड़ी है। मतलब एक स्कॉर्पियो, एक इनोवा, एक फॉर्च्यूनर और सारे ऐसे धूल उठाते हुए जा रहे हैं। ना तो आगे निकलने देते और इनके पीछे रहने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और वैसे काफिला नहीं है, आई थिंक गाड़ियों की टेस्टिंग चल रही है, क्योंकि सारी गाड़ी TR नंबर पे है। भाई साहब इतनी मिट्टी खा ली है मैंने, तो अभी भी पता नहीं कहाँ है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि कौन से रास्ते से जा रहे, कहाँ जा रहे। बस जहाँ गूगल मैप लेते हुए जा रहा है मैं उसके साथ साथ चल रहा हूँ। तो आई थिंक शाम के 5 या 6 बजे तक नागपुर आ जाए। अभी 1:30 बज रहे तो और 3-4 घंटे, तो किलोमीटर्स होंगे लगभग 200 या 250। अगर रोड्स ऐसी रही तो 6 बजे तक भी नहीं आएगा। तो आप ये जो रोड देख रहे हो ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पिछले 80 किलोमीटर से ऐसी ही रोड है। मतलब यहाँ पे ऐसे एक फ्लाईओवर बन रहा है और उसके साइड साइड से हम चल रहे हैं। पता नहीं गूगल माता ये रास्ता क्यों दिखा रही है यार। अभी मैं कहीं पे चेंज भी नहीं कर सकता और यहाँ किसी लोकल से पूछूंगा वो पता नहीं और कहीं भड़का देगा। भाई साहब अब ये चीज़ बहुत हेक्टिक होती जा रही है, क्योंकि 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर समझ में आता है, लेकिन जब 50 किलोमीटर तक अगर आप ऐसे ही चल रहे हो तो इसका क्या ही इलाज है। एवरेज 20-25। अभी मैं आ रहा हूँ यहाँ बिदर से कर्नाटक। रोड कैसे है नागपुर तक? अच्छा वहाँ से, अच्छा ठीक है चलो बाय बाय। तो उसको पूछा मैंने रास्ता कैसा है, तो वो बोला रास्ता तो ऐसा ही है, अगर आप यहाँ से तेलंगाना के अंदर घुस जाओगे वापस तो उसके बाद आपको मिल जाएगा NH7, कश्मीर से कन्याकुमारी वो ज्वाइन कर लोगे। लेकिन अभी मैंने गूगल मैप में देखा था वो भी रास्ता, लेकिन वहाँ से 1 घंटा ज़्यादा ही लगेगा। मतलब वो हाईवे जाने यहाँ से 1 घंटा ज़्यादा लगेगा। तो अब जैसा है यही है, लेकिन ना मैं सही बता रहा हूँ, दोपहर के 2 बज चुके और पिछले 5 घंटे से मैं हो चुका हूँ परेशान। मतलब कहाँ मैं सोच रहा था दिन में 800 किलोमीटर कवर करूँगा और 200 में मेरी बैंड बज गई है, सही बता रहा हूँ। 50-60 के ऊपर बाइक चल नहीं रही पिछले 5 घंटे से। थोड़ी देर के लिए अच्छी आती है, उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। तो आने वाले टाइम पे शायद बन जाए, क्योंकि यहाँ फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन आने वाला टाइम बहुत दूर है। तो अभी तो रुकने का कोई प्लान भी नहीं है यार। मतलब रुके तो तब ना जब कहीं पे पहुँचे, क्योंकि जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ मुझे नहीं लगता मैं रात के 12 बजे से पहले कहीं पहुँचूँगा। तो भाई शुरू हो चुका है घाट सेक्शन, मतलब रोड सही नहीं हुई लेकिन घाटे आ गई। तो अब क्या ही करें। मतलब अभी हम पता नहीं कौन से पहाड़ पे चढ़ गए, अभी ये पहाड़ से नीचे उतरेंगे। तो भाई साहब अब जाके आया है प्रॉपर हाईवे, आई थिंक ये है तुलजापुर से नागपुर का हाईवे। तो टाइम हो चुका है लगभग 3:01, तो अपने को चलते हुए हो चुके 5.5 घंटे, और 5.5 घंटे में हमने निकाल दिए है करीब करीब 350 किलोमीटर। तो अभी हम देखते हैं कहाँ पे रुकना है, आई थिंक यहीं साइड में लगा लेते हैं कहीं पे और थोड़ी देर का ब्रेक ले लेते हैं यार। इसके बाद का पता नहीं आगे क्या होने वाला है। तो अभी आप देखोगे तो जो एयर फ्लो सीट है, मतलब इसके अंदर हवा होती है, रोड इतनी ख़राब थी कि यही पिचक चुकी है। तो वैसे तो अपने पास ये प्रोटीन बार है, तो अब इससे काम चला लेंगे। और इस वाले डब्बे में हमने रखा हुआ है पानी, कहीं भी कुछ रख लो। तो ये जगह का नाम तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन यार ये ना गर्मी से ऐसा पिघल चुका है। वैसे भी जंगल वाला इलाका है, खाते और निकलते हैं। जी कहाँ से आए? बिदर कर्नाटक। कर्नाटक? हाँ। बाप कमाल हो गए, अकेले? हाँ अकेले, कमाल हो गए। चलते ऐसे ही अकेले अकेले ऐसे क्या? रोड कैसी आप ये बता दो आगे। आगे ऐसी रोड है नागपुर तक, मतलब ऐसी, मतलब अच्छी है खराब? नहीं अच्छी है ना।
बहुत खराब थी। ठीक है चलो थैंक यू, बाय बाय। तो भाई चलते हैं, मस्त टाइम पास हो गया। एक लोकल आदमी मिला था गांव का, तो उससे बात बात चल रही थी ऐसी कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। तो करीबन करीबन 25 मिनट का ब्रेक हो गया अपना, तो जो 25 मिनट का हमने ब्रेक लिया है अब उसको हम कवर करेंगे अगले 2-2.5 घंटे में, शायद नागपुर पहुँच जाए। क्योंकि जो ये गाँव वाला आदमी था उसने बताया कि रोड बहुत अच्छी आ गए। पहली बार मुझे टोल गेट को देख के खुशी हो रही है, खुशी इसलिए कि मतलब आगे की रोड भी अच्छी होगी। अभी पिछले 50 किलोमीटर तो मुश्किल से आई थिंक आधा घंटा भी नहीं लगा है, 25 मिनट में 50 किलोमीटर हो गए हैं। और अभी नागपुर और बचता है, आई थिंक यहाँ से है 220 या 230। रोड ऐसी हुई तो 4:20 हो रहे हैं, मैक्सिमम 6:30 तक नागपुर तो पहुँच ही जाएंगे। जो रोड है ना यार मजा आ रहा है, पता है बाइक 140 तक तो टच हो रही है, लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या पता है कि यहाँ पे ये कुत्ते बिल्ली बकरी गाय बहुत है और कोई भी आ जाता है बीच में, तो इसलिए ना मतलब 120-130 के ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा अगर अचानक कोई आ गया। नागपुर आप लोग कहाँ जा रहे हो? अच्छा अच्छा, रोड अच्छी है ना नागपुर तक? ठीक है चलो थैंक यू। मतलब मुझे इतना डर है रोड का कि मैं बार बार लोगों से पूछता जा रहा हूँ कि भाई रोड अच्छी है ना, क्योंकि जो शुरू के 200 किलोमीटर देखे थे ना मैंने, उसके बाद मुझे तो लग रहा था कि भाई साहब जबलपुर तक क्या होगा। हाँ जी, तो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप मिल गया, वैसे भी आगे भराना या यहाँ भराना एक ही बात है। यहाँ से नागपुर आई थिंक 100 किलोमीटर होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन है यार। हाँ भाई ये टाइगर, तो भाई एक फ्यूल अप हमने बिदर में कराया था निकलने से पहले, और उसके बाद है ये पहला जहाँ पे आया है 1700, मतलब 17 लीटर, 20 लीटर की इसकी टैंक है। तो आई थिंक आज के लिए तो इतना काफ़ी रहेगा, कल भी जबलपुर से जब हम निकलेंगे थोड़ा बहुत तो बच ही जाएगा। तो अभी बचे लास्ट के 100 किलोमीटर नागपुर, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, मतलब ख़त्म क्या करना, उसके आगे 300 और जाना है। और इसी के साथ पहुंच चुके हैं नागपुर, टाइम हो रहा है 5:45 PM, मतलब नागपुर रह जाते हैं उस तरफ, हम निकल रहे हैं आउटर एरिया से, मतलब जो रोड जा रही है ये वाली है नागपुर और इस तरफ है हैदराबाद। तो अभी नागपुर में तो हमको रुकना नहीं है क्योंकि अपना प्लान है जबलपुर जाने का, तो जबलपुर है यहाँ से 300 किलोमीटर और, तो गूगल माता बोलते कि 6 घंटे और लगेंगे। अपना ETA है जो, वो आ चुका था 12:30 पे सुबह, अभी उसको मैं खींच के 12:15 तक लाया हूँ, लेकिन अगर अभी आगे और रुकता हूँ मैं तो वापस 12 के आसपास ही रहेगा, लेकिन कोशिश रहेगी कि मैं 11:30 तक पहुँच जाऊँ। 11 तो मुश्किल है लेकिन एटलीस्ट 11:30। ये जो हाईवे ये है मुंबई कोलकाता हाईवे, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा सियोनी और उसके बाद आएगा जबलपुर। तो इसी के साथ अब हम चले महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की ओर। तो यहाँ से हम एंटर कर चुके हैं मध्य प्रदेश, टाइम हो रहा है 7:15, किलोमीटर्स हो चुके हैं लगभग बोल सकते हो आप लोग कहीं ना कहीं 585 या 590। तो अभी भी जबलपुर बच जाता है लास्ट 220 किलोमीटर्स, जिसमें लग जाएंगे गूगल मैप बोलता है कि 4 घंटे, तो 7:15 यहाँ हो रहे तो हम पहुँचेंगे लगभग 11:15-11:30। तो जो एक्सपेक्टेड टाइम 12:30 का था उसको खींच के हम 11 तक तो लेके आ गए हैं, लेकिन अब बाकी चीज़ें डिपेंड करेगी रोड पे कि आगे रोड कैसी है। यार ये घाट में इतना ट्रैफिक है ट्रकों का, मतलब दोनों ना ऐसे पैरेलल ही चलते रहते हैं, ना इधर से निकल सकते ना उधर से, और ऊपर से लगे हुए पैनियर। अभी है आई थिंक कहीं पे पेंच टाइगर रिजर्व, तो पेंच टाइगर रिजर्व के साथ मेरी बहुत पुरानी कहानी है। जब मैं आई थिंक लद्दाख से आ रहा था वापस, ये एरिया पे था मैं 5:30 बजे, तो 5:30 बजे मुझे हल्की सी नींद की झपकी आई, तो यहाँ रास्ते में बस स्टॉप बने हैं छोटे छोटे से, तो मैंने सोचा कि 10-15 मिनट सो लेते हैं। इतने में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ी आई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ी ने आके मुझे बोला कि भाग भाग,
अब मैं नींद में था, मुझे उठ के समझ में नहीं आया कि ये क्यों बोल रहा है भाग भाग। वो बोलता भाग भाग, उनको 5 से 6 मिनट लग गए समझने की वो बोल क्या रहा है। मुझे जो मराठी में गालियां दी है, फिर उसने ये बताया कि आप यहाँ पे सो जाओगे, शेर कोई आ गया आके अगर आप पे अटैक कर दिया तो कौन जिम्मेदार होगा, बोलते तुम खुद तो जाएगा ही और मेरी भी नौकरी खाएगा। तो वैसे तो मतलब अगर आप देखोगे तो रोड के दोनों तरफ ऐसे ग्रीन कलर के पर्दे लगा रखे हैं, तो जितने भी एनिमल्स है वाइल्ड लाइफ वो सारे के सारे नीचे रह जाते हैं ब्रिज के। तो आई थिंक अभी रुक लेना चाहिए यार, बहुत देर हो चुकी है चलते चलते। लगभग अभी पहुंच चुके कहीं पे है सियोनी के पास। मतलब मेरा हाथ दर्द हो गया यार हैंडल पकड़ पकड़ के। लास्ट हम रुके थे जहाँ पे आई थिंक मैंने वो प्रोटीन बार खाया था नागपुर से पहले, उसके बाद नॉनस्टॉप यहाँ पे। तो यहाँ से आप देखोगे तो हैदराबाद है 672 182 नागपुर। हे भगवान, मतलब हम कंटिन्यूस कम से कम 200 किलोमीटर चला के आए। मेरी शक्ल ही बता रही है कि मतलब हम कैसे आए हैं। महाराष्ट्र में रोडों की प्रॉब्लम और मध्य प्रदेश में ट्रकों की प्रॉब्लम। भाई साहब इतने ट्रक थे कि मैं पूरा मिट्टी में नहा लिया, मतलब मेरे मुंह दाढ़ी हर जगह मिट्टी मिट्टी। तो अभी लास्ट बचे 100 किलोमीटर, अब निकलते हैं यहाँ से। तो हाँ जी निकलते हैं। निकलने से पहले जो अपना विंडस्क्रीन है इतना गंदा हो चुका है कि मतलब दिख नहीं रहा, तो ये हम साथ में लेके ही चले थे। इसमें शैम्पू है और थोड़ा सा पानी, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है यार, क्योंकि ना रात में दिखता नहीं है कुछ भी। तो ठीक है, ऑल सेट, हम निकलते हैं लास्ट 100 किलोमीटर्स। मतलब जो भी ब्रेक लो ना यार 10 से 15 मिनट का हो जाता है। तो अभी आप देखोगे तो विंडस्क्रीन ना पूरा चमक गया है, तो ये करना चाहिए, मतलब हर 200-300 किलोमीटर में एक बार तो करना ही चाहिए। तो आई थिंक हम कोई पहाड़ी उतर रहे हैं, क्योंकि इस तरफ कैमरे में नहीं दिखेगा लेकिन मुझे दिख रहा है कि बहुत बड़ी खाई है, बहुत ही ज़्यादा भयंकर घाट है। मतलब जो कर्व है ना एकदम से आ जाते पता ही नहीं चलता। तो घाट उतरते आ चुका है जबलपुर और यहाँ पे ट्रक चढ़ गया डिवाइडर पे। भाई घाट ही ऐसी है कि पता ही नहीं चलता कि टर्न कब आता है। तो पहुंच चुके हैं जबलपुर, टाइम हो रहा है 10:41। तो यार 13 घंटे में हमने कवर कर लिया 800 किलोमीटर, गूगल मैप भी 15 घंटे दिखाता है। तो ठीक है, ये जर्नी को अभी यहीं तक ही सीमित रखते हैं, यहीं तक सीमित रखते हैं। मतलब कि जबलपुर पहुंच गए, यहीं पे हाईवे पे मैंने एक होटल बुक कर रखा है, तो आज मैं यहीं पे ही रुकूंगा और कल यहीं से ही जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने देखा कि सुबह हम निकले कर्नाटका से, उसके बाद गए तेलंगाना, फिर आया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद अभी मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की आगे की जर्नी नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगी। तो अपना रिजॉर्ट यही है, सुकून रिजॉर्ट। सुकून तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। तो यार ये तो बहुत ही ज़्यादा नीचे है। तो ठीक है चलो, अगर ये वीडियो यहाँ तक देख लियो तो लाइक ज़रूर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तो बेल आइकॉन दबा दो, और अगर दोनों काम कर रखे हैं तो एक छोटा सा बढ़िया सा कमेंट कर दो। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। भाई साहब पैर अकड़ गए पूरे। रात का टाइम, अगर दिन में होता तो इससे सुंदर कोई चीज नहीं होती। ओ भाई ये किधर से आ रहे यार। अच्छा वो देख लिया, नहीं तो बातों बातों में मैं